हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स और आज हम बात करने वाले हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे होने वाली आईफोन्स की जो सेल्स थी उसके रिगार्डिंग। तो सेल परसों शुरू हुई थी, वीडियो मैं आज बना रहा हूं क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिल पाया, सॉरी। तो परसों जब सेल शुरू हुआ अमेजोन पे, जैसा कि इन्होंने ऑफर दिया था 39,999 रुपए में आपको आईफोन 13 देखने को मिल जाएगा, लेकिन सेल के अंदर क्या हुआ कि जो ऑप्शन होता है इसका एक्सचेंज वाला, जो उनका मेन पॉइंट था कि आपको किसी फोन के साथ एक्सचेंज करना होगा, वो सवा घंटे तक उन लोगों ने डिसेबल करके रखा। वो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था फोन में, और पीसी में जब दिख रहा था तो आप उसको अगर चूज करना चाह रहे हो फोन, तो ऑप्शन काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब यही है कि अमेजोन पे पूरी तरीके से फेक सेल चल रही थी। इसके रिगार्डिंग मैंने कस्टमर केयर से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि साइट स्लो हो गया है, बहुत ज्यादा लोड हो गया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो भाई, आपके पूरे वेबसाइट में जो एक्सचेंज का ऑप्शन है वही डिसेबल हो गया, बाकी सब अच्छा हो गया। ये तो तरीका था सेल में फोन को महंगे कीमत पे बेचने का। उसके बाद दूसरा चीज सुनिए, आईफोन 13 का स्टॉक आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। उनके पास स्टॉक है लेकिन फिर भी वो जो है डिले कर रहे हैं। क्यों? ताकि लोग महंगे कीमत पे उसको खरीद ले। जो कलर नहीं बिक रहा है उस कलर को स्टॉक में रख रहे हैं, जो बिक रहा है उसका स्टॉक बार बार गायब कर दे रहे हैं। ऐड टू कार्ट कर रहे हो आप, फिर कैंसिल हो जा रहा है। इस तरह की दिक्कत अगर आपने बुक करने की कोशिश की होगी तो आपको भी आई होगी, क्योंकि ऐसा होता है सेल के टाइम में। पिछले साल यही सेल आईफोन 12 को लेके हुई थी जो कि फ्लिपकार्ट पे था। फ्लिपकार्ट ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करने के बाद ऑटोमेटिक कैंसिल कर दे रहा था, लेकिन ये बात जो है इस साल अमेजोन ने की। और फ्लिपकार्ट पे सेल स्मूथली चल रहा था क्योंकि आईफोन 13 और 14 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एकदम माइनर सा फर्क है। प्राइस डिफरेंस जो था वो 10,000 रुपए का था। तो ऐसे में लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने मेरी तरह आईफोन 13 को छोड़ा और फ्लिपकार्ट से 14 बुक कर लिया। अब रात में फ्लिपकार्ट से भी 14 बुक नहीं हो रहा था क्योंकि इनके सेल की वजह से एसबीआई का सर्वर डाउन हो गया था और एसबीआई से पेमेंट कंफर्म हो ही नहीं पा रही थी कार्ड ऑफर को लेकर के। इसके बाद अगले दिन सुबह में जब मैंने ट्राई किया, रात को तो 3 बजे तक ट्राई किया, सारा का सारा फेक घोटाला, कुछ नहीं, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। कस्टमर केयर से बात किया, उनका कहना था कि आपके कार्ट में है वो पेमेंट फेल होगा, आपको फिर से लिंक आएगी। लिंक आई, मैंने पे किया, फिर से कैंसिल हो गया क्योंकि लोड बहुत ज्यादा था। तो ऐसे में मैंने क्या किया, फ्लिपकार्ट से आईफोन 14 सुबह में 10-11 बजे के लगभग मेरा परचेज हो गया और मैंने आईफोन 14 ले लिया फ्लिपकार्ट से। अब ये तो पहले प्राइम मेंबर और प्लस मेंबर के लिए जो सेल थी उसके रिगार्डिंग बात हो गई। फिर कल रात में दोबारा सेल शुरू हुआ, दोबारा वही काम हुआ। किसी का, बहुत कम लोगों का आईफोन 13 कल बुक हो पाया। सबका यही आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहा था, जो फालतू कलर है या ज्यादा वेरिएंट वाला ज्यादा महंगा फोन है वो। प्लस प्राइस को लीजिए तो परसों रात में प्राइस जो है 3-4 हजार रुपया अप हो गया था, ठीक है। फिर उसको उन्होंने डाउन किया सुबह तक, फिर अप किया, फिर डाउन किया, और कल जब सेल आई तो पहले तो कम था, फिर 1,000-2,000 बढ़ते चला गया। ये सेम चीज फ्लिपकार्ट पे हुई प्राइस को लेके, लेकिन ज्यादा नहीं हुई आईफोन 14 के साथ। 1,000 से 2,000 अप हो रहा था, डाउन हो रहा था, अप हो रहा था, डाउन हो रहा था। तो कल हमने दिन में बुक कर लिया। अब हमें क्या ऑफर मिला, क्योंकि वो फ्लिपकार्ट पे यूज होने वाला कार्ड हमारे पास था नहीं, हमारे पास जुगाड़ हुआ था अमेजोन पे यूज होने वाला एसबीआई का कार्ड, हमने प्राइम मेंबर भी लिया था, सारा कुछ वेस्ट गया। अब क्योंकि इस वीडियो की क्वालिटी आपको उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही होगी, इसलिए मुझे एक बेटर फोन चाहिए था जिससे कि मैं अच्छी वीडियो शूट करके आपको प्रोवाइड कर पाऊं। इसके लिए मुझे आईफोन 13 लेना था, बट 13 ना हो सका, लगभग मुझे 20,000 रुपया एक्स्ट्रा लग गया, तब जाके आईफोन 14 मेरा बुक हो पाया। थोड़ा दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है, मैं वीडियो बनाऊंगा, एक साल में तो रिकवरी हो ही जाएगा। एक साल में इतना पैसा आ जाएगा जितने रुपए का फोन मैंने परचेस किया है, जिस हिसाब से अभी सेल, मतलब जिस हिसाब से अभी एड्स आ रहे हैं। एड्स बढ़ेंगे आपकी मदद से, आप बढ़ाओगे, और कोई तरीका नहीं है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वीडियोस को देखते रहो। अच्छी ना लगे तो कमेंट में बताओ कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं जो आपको पसंद आए। तो फोन जो मुझे पड़ा वो पड़ा 69,900 का, सॉरी 69,900 फोन का प्राइस शो हो रहा था, डिस्काउंट 13,901 का था, एक्सचेंज वैल्यू 8,200 रुपए का मुझे मिला, पिकअप चार्ज उन्होंने 199 रुपया लिया, और सिक्योर पैकेजिंग के नाम पे फ्लिपकार्ट ने 99 रुपया लिया। अब देखिए, ये जो 99 रुपया है सिक्योर पैकेजिंग का, जब आप बड़े चीज ले रहे हो, 10-20 हजार का, 30 हजार का चीज ले रहे हो, तो आप 99 रुपया पे ध्यान नहीं देते हो, लेकिन आप ऐसे सोचो कि ये 99 रुपया जो है फ्री डिलीवरी के बावजूद 99, आखिर सिक्योर पैकेजिंग में वो दे क्या रहे हैं, एक कूट के ऐसे बॉक्स के अंदर ही तो वो पैक करके देते हैं। इस बॉक्स की कीमत 20 रुपया नॉर्मल पड़ती है, क्योंकि वो बड़े सप्लायर हैं तो उनको 10-12 रुपया पड़ता होगा, इससे ज्यादा तो वो कुछ पैक ही नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी सिक्योर पैकेजिंग के नाम पे 99 रुपया लिया जाता है, ये स्कैम से ज्यादा और कुछ नहीं है। खैर, तो हमें फोन पड़ा 48,097 रुपए का, जहां मेरा काम 39,000 में हो जाता, प्लस मेरे फोन के एक्सचेंज के साथ मुझे वो 35,000 में ही मिल जाता, वहां मुझे 48,000
97 रुपया पड़ गया। अगर मैं डायरेक्ट पे करता तो मैंने उसको SBI के कार्ड पे स्विच किया, जिसके अंदर मुझे 2355 रुपए महीने की EMI बनी 2 साल के लिए, ठीक है। तो मेरे फोन का प्राइस जो है वो हो गया 56,520 रुपया। अब 56,520 रुपया में 8,423 रुपया जो है इंटरेस्ट है, क्योंकि 16% का इंटरेस्ट लगा 2 साल की EMI लेने की वजह से। तो 56,220 रुपया के बाद अभी और पैसा लगेगा, ठीक है। कैसे लगेगा? जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है, यानी कि आपका इंटरेस्ट मान लो मेरा जो है 8,423 रुपया हो रहा है, तो इसका 18% भी आपको पे करना होगा, चाहे आप नो कॉस्ट EMI में लो प्रोडक्ट या EMI में लो, मतलब पेड EMI में लो जिसमें आप इंटरेस्ट भरते हो। जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, नो कॉस्ट EMI में भी इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, जो कि बैंक फ्लिपकार्ट बैंक आपस में देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई उसमें पे करता है, बट आपको करना पड़ता है, सॉरी आपको ही करना पड़ता है, वो आपको पता नहीं चलता है, बट एक्चुअली में आपको ही करना पड़ता है। सिर्फ वो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो पे कर देते हैं, लेकिन उस पर लगा हुआ GST आपको खुद ही पे करना होता है। ये बात किसी को उतना समझ में नहीं आता है। तो 18% GST मेरे इंटरेस्ट अमाउंट पे, जो कि 8,423 पे लगने वाला था, तो 1,516 रुपया लगा। अब देखो फोन कितने का हो गया, 2355 रुपया का मंथली EMI, जिसको के 24 से आप गुना करेंगे, प्लस 1,516 रुपया जो मेरा इंटरेस्ट के ऊपर GST लगा है, वो मिला के हो गया 58,036 रुपए का। अब अगर मेरा iPhone 13 बुक होता तो मेरा काम 35,000 से 40,000, क्योंकि इंटरेस्ट पे मेरा EMI है, तो 40,000 तक में हो जाता, 40 और बहुत जाता तो 42-43 जाता, उससे ज्यादा ना जाता, लेकिन हमारा चला गया 58,000। खैर कोई बात नहीं, आपको भी अगर फोन लेना है, कंफ्यूज हो रहे हो, देखो जरूरी नहीं है कि आप iPhone ही बुक करो, मुझे रिकॉर्डिंग के लिए जरूरत थी इसलिए मैंने बुक किया। आप देख लो 30,000 में S21 FE स्नैपड्रैगन वाला जो प्रोसेसर है, वो भी एक अच्छा डिवाइस है, कैमरा वैमरा सब उसका आगे पीछे का अच्छा है, प्रोसेसर भी अच्छा है, आप उस पर जा सकते हो। कम प्राइस में लेना है तो बहुत सारे ऑप्शन है, 30,000 में वो एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी कर्व डिस्प्ले वाले फोन जो है, उन सभी में किसी में फ्रंट कैमरा गड़बड़ है, किसी में रियर कैमरा गड़बड़ है, किसी में प्रोसेसर की दिक्कत है, किसी में कुछ है, किसी में बैटरी लाइफ कम है, कमियां सब में है। कंप्लीट पैकेज कोई भी फोन नहीं है अभी के टाइम में। जो आप सोच रहे हो कि हम एक फोन लेंगे जिसमें हमको सब चीज मिल जाएगा, वैसा नहीं होने वाला है। तो ध्यान से सोचिए अभी तक बुक नहीं किया है तो, कि कौन सा फोन लेना है। और आईफोन का हमेशा यही हाल रहेगा, पिछले साल भी यही हाल था, उसके पिछले साल भी यही हाल था, अगले साल भी यही हाल होने वाला है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए और एक अच्छा फोन परचेस कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा पैसा खर्चा कर दो, ठीक है, जरूरत है तो कीजिए वरना मत कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।